किसी भी दुर्घटना के समय विपरीत परिस्थितियों में सही फैसला लेने के लिए बुद्धि, हौसला, साहस, फुर्ती और तकनीक आदि बहुत चीजों की तत्पर आवश्यकता होती है। ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं जो कठिन से कठिन समय में हिम्मत से काम लेते हैं और किसी बड़ी अनहोनी को टाल देते हैं। ऐसे ही मिसाल पैदा करने वाले रोहतक के नरेंद्र, जिन्होंने 24 जनवरी को अपनी सूझबूझ से सवारियों से भरी बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने पर बस को सुरक्षित रोका तथा ड्राइवर की व दर्जनों सवारियों की जान बचाई, जिसके चलते आज जागृति मंच द्वारा रोहतक डिपो पर सम्मान समारोह रखा गया तथा नरेंद्र को फूल माला, पगड़ी व मोमेंटम दे सम्मानित किया तथा उनके द्वारा किए गए बहादुरी भरे काम की सराहना की। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में परिचालक नरेंद्र ने क्या कहा। जी नरेंद्र जी, आज जो है आपका सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये जो सम्मान समारोह था ये एक यूनियन की तरफ से था और उन्होंने इस काम को सराहा है और उन्होंने श्रेष्ठ लगा है इस काम को, इसलिए ये सम्मान समारोह किया गया ताकि विभाग के दूसरे भी जो कर्मचारी हैं उसमें एक ठीक तरह का संदेश जाए ताकि वो भी अपनी ड्यूटी का एक कर्तव्य और जिम्मेदारी के साथ निभा सके अपनी ड्यूटी को। तो नरेंद्र जी, एक बार फिर से जो है दर्शकों को हमारे बताएं कि क्या वाक्या था और क्या हुआ था जिसके चलते जो है आपको ये सम्मान दिया गया। जी, ये 24 जनवरी की गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले की एक घटना थी, जो कि चंडीगढ़ से पलवल की तरफ जो गाड़ी आ रही थी और उसमें रात हम 11:15 बजे जो चंडीगढ़ से चले थे तो 1:45 का टाइम था, 1:55 का राइट घर होंडा के पास, और चलती गाड़ी में सवारियों की भरी गाड़ी में ड्राइवर को अचानक से हार्ट अटैक की शिकायत हो गई थी। वो बेहोश मुद्रा में हो गए थे तो उसी टाइम पे हमने स्टेयरिंग उसका संभाला है और किसी तरह से गाड़ी को कंट्रोल किया और सवारियों को भी बचाया है और सरकारी वाहन को भी बचाया है और ड्राइवर जिस परिस्थिति में थे उसको भी तुरंत हमने घरोंडा के सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है और सब सुरक्षित हैं। उसकी एवज में उसके सम्मान समारोह आज ये किया गया है। तो पिछले काफी समय से जो है आपको जो है बहुत बातें सुनने को मिल रही हैं आपके बारे में, तारीफें सुनने को मिल रही हैं पूरे रोडवेज में, पूरे हरियाणा में मैं कहूंगा बल्कि, तो कहीं ना कहीं आप एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह हो गए हैं। देखो रोडवेज तो अपने आप में भी ब्रांड है और दूसरा मैं ये मानता हूँ रोडवेज का तो हर कर्मचारी एक ब्रांड ही है। जब जहाँ जिसकी जिम्मेवारी आती है वो कर्मठता से अपनी जिम्मेवारी को निभाता है और मुझे नहीं पता कि शायद मैं इतना बड़ा काम किया है, लेकिन आप जैसे लोगों की और जो जिन्होंने शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने मेरे को जाना है, पहचाना है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और उसी की एवज में आज ये इतना बड़ा समारोह किया गया है। और परिचालकों को यही मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, पब्लिक हमारे पे बहुत भरोसा करती है जो रोडवेज में चलने वाली यात्रियाँ हैं, तो हम अपनी जिम्मेवारी को और जिम्मेवारी के साथ निभाएं और लगातार हमने कर्मठता का परिचय देना है और समझदारी का और नेकता का परिचय देना है।